हेलो, वेलकम टू लेट्स कैम। तो आज हमने जो कल बचा हुआ स्टीरियो आइसोमेरिज्म था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, और जो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उनका हमने आज अच्छे से डिस्कस करना है। ठीक है, तो जो कल हमारा एक केस था MA3B3, तो वहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर गलत बना दिया था। फेसियल एंड मेरिडोनियल जो था, उन दोनों का मैंने सेम बना दिया था। ठीक है, तो उसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हमने आपको पता है कि फेसियल में क्या होना चाहिए, तीनों 90 डिग्री के एंगल में होना चाहिए। तो ये हमने मैंने एक को दूसरे एक को 180 डिग्री एंगल में दिखा दिया। ठीक है, तो ये हमने देखिए, ये हमने रख दिया, तीनों को 90 डिग्री में रख दिया। बचे 3B, तो ये हमने 3B को रख दिया। ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो ये हमारा फेसियल हो गया। मेरिडोनियल कैसा हो जाएगा, दो को हमने किस में रख दिया, दो को रख दिया हमने 180 डिग्री में, एक को 90 डिग्री में, बाकी रख दिया, बाकी लिख दिया हमने बी। तो ये हो गया हमारा मेरिडोनियल। ठीक है, ये हमने करा था कल। तो ये हमने करना था फेसियल का और मेरिडोनियल का। तो यहाँ पे तो हमने बताया था कि बीच स्क्वायर से डाला प्लेन, तो ए और ए आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे, सेम होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, पीओएस प्रेजेंट होगा, तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा क्या है, बी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आपका क्या होगा, पीओएस प्रेजेंट है कि नहीं है। तो हमने बी से डाला, बी के सामने ए आया, तो यहाँ पे ये इसमें तो है नहीं। अगर बी से डाला हमने स्क्वायर से, तो ए और बी यहाँ पे है नहीं। अगर हमने यहाँ से डाला ऐसे में, तो यहाँ से बी के सामने ए रिफ्लेक्ट कर रहा है, और अगर हमने ऐसे में डाला, ये हमने ऐसे में डाला, तो हमारा बी के सामने ए रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हर जगह से ऐसा हो रहा है भाई। तो अब आप कहोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, तो लेकिन यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसमें कैसे देखेंगे, तो देखते हैं। तो देखिएगा हमारे पास, तो अगर मैं ये ले लूँ, देखो ये बी और ये बी, ये बी और ये बी, इसको मान लो बी, इसको ही मान लो बी। ठीक है, ये ए, तो इसको मान लो ए, इसको मान लो ए। ठीक है, आगे से आर्क आपका ए, ये आर्क आपका आगे से ए, ऊपर से और पीछे से आर्क है बी, तो पीछे से आपका आर्क है बी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कैसे है प्लेन ऑफ सिमेट्री। हमने डाला यहाँ से प्लेन, हमने कहाँ से डाला प्लेन, यहाँ से हमने प्लेन डाला। तो ये प्लेन डाला इन दोनों के ठीक बीच से हमने प्लेन डालना है। ठीक है, तो ये हमने प्लेन डाला, तो ये ऊपर वाला तो कट जाएगा और नीचे वाला भी हमारा क्या कट जाएगा, और प्लेन बीच से निकल जाएगा। तो जो बेस से निकल रहा, तो बच क्या रहा हमारे, ये दो और ये दो बच रहे हमारे पास। तो ये हमारे पास बी था, ये भी बी था, तो बी को बी रिफ्लेक्ट कर रहा है, ए को ए रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब नीचे क्या था हमारा, बी ए, ऊपर भी बी ए है, तो आपस में सेम रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें देखना आना चाहिए, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लेना बिल्कुल अच्छे से। तो हमने यहाँ बीच से प्लेन डाला बिल्कुल, जिससे ये हमारा कट गया मेटल, ये पूरा बीच का ये कट गया, और ये हमारा सेम बच गया, ये बी, ये भी, ये ए, आपस में क्या हो गए, सेम आ गए हमारे पास। ठीक है, तो इसी वजह से हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के होगी, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे भी होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे भी होगी, जिस वजह से ऑप्टिकल आइसोमर दोनों जगह जीरो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ रहे हैं दो, तो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया हमारे पास दो, और तो टोटल आइसोमर हमारे पास, टोटल स्टीरियो आइसोमर कितना होंगे हमारे पास, दो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ऐसा होगा। तो कल जो केस था उसको बिल्कुल अच्छे से देख लिया हमने। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट केस, MAA2BV वाला। ठीक है, तो ये हो गया MAA2 की जगह मतलब EN का होल ट्वाइस रख दिया हमने, जिनमें दोनों एटम सेम होंगे और दो बार जुड़ा होगा। ठीक है, और BV मतलब C2O4 ऑक्सलेट रख दिया हमने। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है हमारा, O और O होते हैं डोनर एटम, इसमें भी N और N होते हैं हमारे पास डोनर एटम। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए बनाते हैं। तो ये आपका मेटल की जगह क्या रख दो, CO रख दो। ठीक है, ये CO रख दिया हमने यहाँ पे, तो CO के साथ बना दो, कितने हमने कितने बनाने, दो EN बनाने, तो एक EN हमने ये बना दिया, ये बना दिया EN, एक EN हमने ये बना दिया, ये बन गया भाई EN, और बन गया हमारा एक O, ये बन गया हमारा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो ये बन गया हमारा एक, तो ये बन गया हमारा C2O4, ये बन गया हमारा EN, दो EN। अब हमने इसके सीसो ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं क्या, फेसियल एंड मेरिडोनल, तो इसमें होगा नहीं क्योंकि मिनिमम तीन तो सेम है नहीं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, तीन सेम होने चाहिए, मिनिमम नहीं तीन सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फेसियल मेरिडोनल बनेगा नहीं, तो हमने सीसो ट्रांस देखनी है। तो सीसो ट्रांस देखने के लिए चलिए, जैसे ओ और ओ यहाँ पे क्या है हमारे पास, सीस में ये सीस फॉर्म हो गई। ठीक है, ट्रांस में रखो इन्हें जरा, ओ और ओ को ट्रांस में रखे देखो, हो सकता है पॉसिबल कि ओ और ओ, ओ आपका 180 डिग्री में आ जाए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता ना, ओ और ओ 180 डिग्री में नहीं आ सकते, तो इसका मतलब यहाँ पे सीसो ट्रांसफॉर्म पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो कितना हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएंगे हमारे पास जीरो। ठीक है, अब देखनी हमने ऑप्टिकल आइसोमर, तो मैंने आपको फिर से वही रूल बताया था, अगर अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन अगर रिंग आ रही हो तो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, जिस वजह से यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, दो होंगे।
ठीक है, तो दो होंगे हमारे पास, तो टोटल स्टीरियोआइसोमर कितना हो गया, 0 + 1/2 × 2, तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी एक, हाँ यही चीज आपको ध्यान रखनी है, यहीं पे बहुत बार गलतियां होती है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जहाँ पे नहीं होते हैं वहां पे 1 रखना है हमने, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 + 1/2 × 2, 2 से 1 गया तो 1 + 1 = 2, तो इस टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितना आ जाएंगे हमारे पास, 2 आ जाएंगे हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये भी आपको बिल्कुल अच्छे समझ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, जो है MEN ग्लाइसिन का होल ट्वाइस, ठीक है। तो हमारे पास पता है EN में क्या होता है, N और N होता है, ग्लाइसिन में क्या होता है, O और N होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो चलो जोड़ देते हैं, M की जगह फिर से वही CO लिख दो, ठीक है। तो चलिए ये लिख देते हैं हम CO, हमने क्या जोड़ना है, 2N जोड़ दिया हमने, ये कर दिया 2N, लगा दिया हमने 1 EN, बाकी हमने कितने O लगाने, ग्लाइसिन, 2 ग्लाइसिन लगाने हमने, तो ये लगाया हमने 1 O और 1 N, ऐसे लगा दिया, 1 O और 1 N ऐसे लगा दिया हमने, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास क्या है, N है और O है, टोटल क्या है हमारे पास, N है और क्या है, O है, तो बस दो डिफरेंट डिफरेंट है, तो एक बार क्या कर दो, O को हमने ट्रांस कर दिया हमने O को ट्रांस, तो एक बार क्या करो, एक बार क्या करो, O को सिस कर दो, O को क्या कर देना है, एक बार सिस कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा CO, ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा N, और ये हो जाएगा हमारे पास N O, हो जाएगा N, ये हो जाएगा O, ठीक है। तो इन दोनों को हमने सिस कर दिया, इसमें हमने इन दोनों को क्या कर दिया, सिस कर दिया, ठीक है। एक बार ओ ओ ट्रांस, एक बार ओ ओ सिस, अब हमारे पास ओ ओवर एन भी तो है, तो एक बार क्या कर दो, ओ ओवर एन को क्या कर दो, ट्रांस कर दो, तो एक उसमें हमने क्या कर दिया, ओ ओवर एन को ट्रांस कर दिया हमने, ठीक है। तो ये बना दिया हमने CO N N, ये हो गया हमारे पास। तो इस बार O को हमने इसके ट्रांस में ले लिया, और इस बार हमने इस O को इसके N के ट्रांस में ले लिया, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार N O ट्रांस पे, एक बार O O ट्रांस में, और एक बार N N सिस बोलो या O O सिस बोलो, तो ये 3 कंडीशन बनेगी, ठीक है। इसके अलावा कोई कंडीशन बना के दिखाओ, जैसे तुम बोलोगे N N को ट्रांस करो, भाई N N को ट्रांस करो, तो यहाँ पे N N ट्रांस तो हो रखे हैं, हर जगह N N ट्रांस में ही है, अगर यहाँ देखें N N ट्रांस में है, यहाँ पे N N ट्रांस में, तो N N ट्रांस में ही है, ठीक है। अगर बोलो N N को सिस करो, तो N N यहाँ पे सिस में है, सिस में है, ठीक है। एनओ को ट्रांस करो, हर कंडीशन यहाँ पॉसिबल हो गई है, आप जितनी कंडीशन है उतनी कंडीशन लगा के देख सकते हो, ठीक है। तो कंडीशन पॉसिबल हो गई है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आ गए, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ गए, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ गए हमारे पास 3, आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ गए, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या बचा, बाकी हमारे पास क्या बचा, तो बाकी हमारे पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि अबव द प्लेन बिलो द प्लेन वाला है, यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो 2, 2, 4 और 2, 6, तो ऑप्टिकल आ गया हमारे पास कितने, 6 हो गया हमारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 3 + 1/2 × 6, तो 2, 3 + 6 + 3 और 3, 6, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने आ गए, 6। कोई दिक्कत इसमें तो अच्छे से आपको समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, ये तो आप ट्रांस की कंडीशन देखो तीनों जगह, ये तो आप सिस की कंडीशन देखो, ठीक है। तो अगर ये देखो आपकी ट्रांस की कंडीशन ही देखते हैं, तो ओ को एक बार ट्रांस करो, एक बार ओ के साथ एन को ट्रांस करो, एक बार क्या करो, एन एन को ट्रांस कर दो, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन देखनी है, तो या तो सिस वाली कंडीशन देखो, या एक बार क्या कर दो, एक को सिस करो, एक को सिस करो, वैसे हमेशा ट्रांस वाली कंडीशन देखनी चाहिए। तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें ट्रांस वाली कंडीशन देखनी है, टोटल जितनी भी ट्रांस वाली कंडीशन है सबको लगा दो एक तरफ से, ठीक है। हमारे पास दो है ना, एन और ओ है, तो एक तरफ से देखना स्टार्ट कर देते हैं, कि एक बार एन और ओ को ट्रांस कर दो, एक बार ओ को ट्रांस कर दो, एक बार एन एन को ट्रांस कर दो, हो गए तीनों कंडीशन, इसके अलावा कोई कंडीशन बची, नहीं बची। तो अगर ऐसा कोई भी केस आता है तो वहां पे हमने ट्रांस ट्रांस देखना है, क्या देखना है, ट्रांस देखना है, ठीक है। तो ट्रांस कर दो एक तरफ से, सबको ट्रांस करते रहो, तो उसमें सारी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, और वहां पे हमारा ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये वाला बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं CO ग्लाइसिन का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस, इसका देखते हैं हमने इसका कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो ग्लाइसिन में क्या होता है, एन और ओ होता है, और NH3 पे हमारा NH3 है, ठीक है। तो वही चीज हमारे पास, टोटल कितने हमारे पास, 1, 2 और 3 है हमारे पास, अलग अलग है हमारे पास। तो एक तरफ से स्टार्ट कर दो भाई, सबसे पहले NH3 को सीसी रखो, और NO को क्या कर दो, उल्टा उल्टा कर दो भाई, एक बार NO को ट्रांस में कर देते हैं हम, ठीक है। तो CO का रखो हमने, NH3 को रखा हमने सिस में, NH3 को हमने क्या रख दिया, सिस में रख दिया, तो NO को हमने क्या करना है, ट्रांस करना है। तो ये रखा हमने N, ये रखा ऊपर O,
ट्रांस कर दिया, तो बाकी बना दो एनओ, ये हो जाएगा एनओ। तो ये हमने एनओ को क्या कर दिया, ट्रांस पे कर दिया, पहली कंडीशन हो गई। फिर से एनएस थ्री को सेम रखो, एनओ को ट्रांस कर दिया, इसके बाद ये कर दो ओओ को ट्रांस कर दो, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करा, एनएस थ्री ऐसी रहा हमारे पास, तो ये रहा एनएस थ्री ऐसी, हमने क्या कर दिया ओ को ओ को ट्रांस कर दिया। तो ये ओओ को हमने ट्रांस करा, ये आ गया हमारे पास, तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये इस बार हमने क्या करा ओ को ट्रांस करा। अगली कंडीशन क्या, एन एन भी तो बचा, तो एन एन को ट्रांस कर दो, ठीक है। तो अगली कंडीशन हमने क्या कर दिया, ये एन एन को हमने ट्रांस कर दिया, तो ये एन एन को, बाकी एन एस थ्री को ऐसा ही रखा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। आ गया इतना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। तीन कंडीशन बन गई ओ और एन की हमारे पास। अब बचा एन एस थ्री, अब हमने किसको ट्रांस करना है, एन एस थ्री को ट्रांस करना है भाई। तो ये हमने कर दिया एन एस थ्री को ट्रांस, ये सी ओ हुआ एन एस थ्री और एन एस थ्री को, इसको हमने ट्रांस कर दिया, ठीक है। तो एन एस थ्री को ट्रांस करा हमने, तो अब ये रखना हमने एन और ओ को रखना हमने, तो चलिए रख देते हैं हम एन और ओ को, ठीक है। ये रख दिया हमने एन ओ, ये रख दिया हमने एन ओ, ठीक है। अब क्या इसमें भी अलग अलग कंडीशन बन सकती है, यहाँ पे देखिए एन एस थ्री को हमने ट्रांस रखा, तो इन दोनों की अलग अलग कंडीशन बन सकती है। यहाँ पे यहाँ देखना एन एस थ्री को ट्रांस रखा, तो एन एस थ्री को जब हमने ट्रांस रखा वहाँ पे, यहाँ पे देखो एन और ओ ट्रांस में, कौन कौन सा ट्रांस में, एन और ओ आपस में क्या है, ट्रांस में, ठीक है। तो अब एन एस थ्री को ट्रांस में ही रखो, एन एस थ्री को क्या रखेंगे हम, ट्रांस में ही रखेंगे। और इस बार हमने एन और ओ को ट्रांस में रखा था, इस बार सेम को ट्रांस में रख दो, तो ओ और ओ को ट्रांस में रख दिया और एन को ट्रांस में रख दिया, कोई दिक्कत इसमें। तो ये सारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सारी कंडीशन देख ली हमने। एन एस थ्री को सिस में रखा, इनको ट्रांस में घुमाया, ठीक है। एन एस थ्री को ट्रांस में रखा, तो इनको एक बार सिस में रखा, एन 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 को सिस में, ओ ओ सिस में, या एन ओ को बोल सकते हैं, कैसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक बार एन एस थ्री को ट्रांस में रखा, इनको अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारे पास। तो हमने ट्रांस की कंडीशन जितनी है सारी देखनी है, आया समझ में। या तो सिस की देखो या तो ट्रांस की देखो, ट्रांस ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो ट्रांस कंडीशन हमने सारी देख ली जितनी बन सकती थी, इसके अलावा ज्योमेट्रिकल आइसोमर कोई पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपके पास कितने हो गए, 5 हमारे पास टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए। इतनी बात आ गई आपको समझ में। आप देखनी हमने ऑप्टिकल आइसोमर, तो यहाँ पे देखिए अबव द प्लेन बिलो द प्लेन रिंग है, तो यहाँ पे सीओस प्रेजेंट नहीं होगा, तो दो ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पे होंगे। रिंग अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, तो दो ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पे। रिंग यहाँ पे अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, तो दो ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पे। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे रिंग अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन में नहीं है। यहाँ पे जो स्क्वायर है उसमें है रिंग, स्क्वायर में है रिंग, ऊपर एन एस थ्री है, नीचे एन एस थ्री, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन में रिंग नहीं है। तो यहाँ पे हमने पीओएस देखना है। तो जो स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को हम काट दें, तो ऊपर एन एस थ्री नीचे एन एस थ्री दोनों आपस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सेम है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसकी वजह से यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर जीरो। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वही कंडीशन, एन एस थ्री ऊपर एन एस नीचे एन एस थ्री, बीच बीच से प्लेन काट दो, तो ऊपर एन एस थ्री नीचे एन एस थ्री सेम है, यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर जीरो। टोटल कितने हो गए हमारे पास, 2 2 4 2 6, टोटल आपके स्टीरियो आइसोमर्स हो गया हमारे पास 6 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास टोटल स्टीरियो, सॉरी टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 6 हो गया, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितना आएंगे, 5 5 + 1/2 × 6, तो 2 3 6, तो 5 + 3 8, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हो गया हमारे पास 8। तो आपको ये कंडीशन देखनी भी आ गई होगी, तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, आपको इसमें अपनी इमेजिन करना है, रट के कुछ नहीं होगा। अगर आप स्टीरियो आइसोमर रट लो, कितना भी रट लो, आपको अच्छे से नहीं आ पाएगा, आपको हर क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना होगा, ठीक है, तब जाके आप टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बता पाओ। तो हमने इतने सारे एग्जाम्पल कर दिए ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के, तो ये दो एग्जाम्पल है हमारे पास, COEN का वोल्टेज, NH3 का वोल्टेज, COEN का वोल्टेज, CL और BR। तो ये आपको खुद करने हैं, ये आपको खुद करने हैं, और इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स A है ये, और ये B है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कमेंट करके मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। तो ये कमेंट जरूर करें, इन दोनों में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितना आता है, अगर कोई भी डाउट है तो मेरे को डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं किसकी तरफ, सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की तरफ, उनमें कैसे कैसे निकालते। ये रहे आपके एग्जाम्पल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो मेटल होता है उसके साथ चार हमारे पास क्या जुड़े होते हैं, चार हमारे पास
लीगेंड जुड़े होते हैं और चारों स्क्वायर होते हैं, जैसे ऑक्टेट हमने बताया था ना जो बीच का स्क्वायर होता है, बस इसमें वही स्क्वायर होता है, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर होता है, तो आपको पता, अगर इसमें हम ऑप्टिकल आइसोमर देखेंगे तो बीच में जो स्क्वायर है उसमें से प्लेन डाला तो ऊपर भी कुछ नहीं रहा नीचे भी कुछ नहीं रहा, मतलब ऊपर और नीचे का सेम हो गया। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे हमारे पास जो भी कंडीशन, जो भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स कहीं पे भी नहीं होता, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री हर जगह होती है, ठीक है। तो चलिए एक तरफ से हम देखते हैं, ठीक। तो एम ए फोर है हमारे पास, तो एम ए फोर ये हो गया हमारे पास, ये एम ए फोर हो गया। तो यहाँ पे फटाफट फटाफट देखते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हो नहीं सकता क्योंकि सीसो ट्रांसफॉर्म बन नहीं पाएगी, ऑप्टिकल आइसोमर जीरो है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने आएंगे, वन, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर का लिखते हैं हम एक लिखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक एक, ऑप्टिकल आइसोमर जीरो यहाँ पे, ठीक है। एम ए टू बी टू में देखते हैं, तो ये हो गया एम ए टू बी टू, तो यहाँ पे हमारे सिस और ट्रांसफॉर्म बन सकती है। तो एम ए हो गया हमारे पास, एक बार सिस रख रखे हमने, एक बार ट्रांस कर दो 180 डिग्री में, कर दो ये करा हमने 180 डिग्री में, तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री में, तो सिस और ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है होगी हमारे पास टू, तो स्टोर आइसोमर्स भी कितनी हो जाएगी, टू। तो यहाँ पे क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर्स होती नहीं है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर जितनी होती है उतनी हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टोर आइसोमर्स आते हैं, ठीक है। एम ए थ्री बी में चलते हैं, तो एम एम ए थ्री बी हो गया हमारे पास ऐसा 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 और ऐसा, तो यहाँ पे भी हमारे सिस और ट्रांसफॉर्म बन नहीं सकती, तो यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, वन, क्योंकि एक है, एक ही है हमारे पास, ठीक है। आगे समझ में ये बात। अगला एम ए बी सी डी, तो ये केस इंपॉर्टेंट है, इस केस को ध्यान से देखिएगा, ये केस इंपॉर्टेंट है। तो एम ए बी सी डी को ही ध्यान रखना कि अगर मैं इसका एग्जाम, ये रहा आपका एग्जाम्पल, पीटी के साथ एक NH3 जुड़ रखा है, एक पीरिडीन, बी आर और सी एल, ये चार हमारे पास जुड़ रखे हैं, ठीक है। तो बना लेते हैं इनको कैसे, स्टार्टिंग में हम कैसा भी बना लो, ठीक है। ये बना लिया हमने NH3, ठीक है, ये बना लिया हमने पीरिडीन, ये बना लिया बी आर, ये बना लिया सी एल, ठीक है। तो ये हमने पहला बना लिया, ठीक। तो इस पे हमने ट्रांसफॉर्म देखनी, सारी ट्रांसफॉर्म देखनी, ठीक है। तो NH3 को ऐसे, इसीलिए स्पेशल केस है, ध्यान रखिएगा इस पे। आपको लग रहा होगा यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ पे बनता है, ठीक है। NH3 को यहीं पे रखो, NH3 रहा हमारा कहीं, कहाँ पे, यहीं पर रहा NH3, तो एक बार यहाँ पे NH3 के साथ CL ट्रांस में था, तो एक बार ला दो PY को ट्रांस में, तो एक बार ला दो PY को ट्रांस में, तो CL और बी आर हो गया, ठीक है। ये कंडीशन हो गई, तो यहाँ पे हमारा एक बार सी एल भी ट्रांस में हो गया, एक बार पी वाई भी ट्रांस में हो गया, तो एक बार बी आर को ट्रांस में ला दो, तो NH3 को यहाँ पे रखो, तो ये आ गया हमारे पास क्या ट्रांस में आ गया, बी आर हमारा ट्रांस में आ जाएगा, ठीक है। आपका पी वाई यहाँ रख दो और सी एल यहाँ पे रख दो, तो ये आ गया हमारे पास। तो आप कितने भी कंडीशन और देख लो, अब ट्रांस वाली आप चलो देखते हैं पी वाई और सी एल को ट्रांस में, तो पी वाई सी एल ट्रांस में देखना कहाँ पे, यहाँ पे पी वाई सी एल ट्रांस में। अगला देख दो बी आर सी एल ट्रांस में, बी आर सी एल ट्रांस में यहाँ पे, तो हर कंडीशन इन तीनों में मिल जाएगी आपको, इसके अलावा आप बना ही नहीं सकते कोई दूसरा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे यहाँ पे, थ्री। तो ये केस इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको ध्यान रखना, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब लास्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, एम ए बी का होल ट्वाइस, एम ए बी का होल ट्वाइस, तो यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे ग्लाइसिन ले लिया हमने, क्या ले लिया, ग्लाइसिन का होल ट्वाइस ले लिया, ठीक है। तो ग्लाइसिन में क्या होता है, एन और ओ होता है हमारे पास, ग्लाइसिन में क्या होता है, एन होता है और ओ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कर दो एक बार, ये मेटल है हमारे पास, यहाँ पे एन रख दिया, यहाँ पे ओ रख दिया, यहाँ पे रख दिया एन, यहाँ पे रख दिया ओ, तो ये हो गया हमारे पास क्या, एक बार सिस वाली कंडीशन की एन, या तो ट्रांस का ही देख लो, एक बार हमने एन ओ को ट्रांस पर रखा, एक बार ओ ओ को ट्रांस पर रख देते हैं, ठीक है। तो एक बार रख देते हैं ओ और ओ को ट्रांस पर रख देते हैं, उसी स्टाइल में करते हैं जिस स्टाइल में हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं, ठीक है। या तो वो देख लो, ये सिस फॉर्म हो गई, ये ट्रांस फॉर्म देख ली हो गई, तो या तो आप ऐसे भी देख सकते हो, एक बार हमने एनओ को ट्रांसफर रखा, एक बार ओओ को ट्रांसफर रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हो जाएंगे हमारे पास, दो हो जाएंगी, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स भी कितने हो जाएंगे, दो। अगली बात समझ में, अगर यहाँ पे ई एन का होल ट्वाइस होता, अगर यहाँ पे ई एन का होल ट्वाइस होता तो वो आपको करके बताना, एम ई एन का होल ट्वाइस होता, मेटल कोई भी होता, पी टी ई एन का होल ट्वाइस होता, तो यहाँ पे कैसे कैसे करते हैं, तो चलो मैं ही बताते थे इसको। ई एन का होल ट्वाइस होता तो दोनों जगह क्या आता, दोनों जगह हमारा एन आता, क्योंकि ई एन में एन ही होता है डोनर आइटम, एन आता हर जगह, तो यहाँ पे सिस और ट्रांसफॉर्म बन नहीं सकती थी, इसी वजह से यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक होती है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स भी एक होती। तो आपको स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म बतानी है, ठीक। अब चलते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या, कैसा होता है, एक ए ऐसा हो गया, एक ए ऐसा होता है, एक ये हो गया हमारे पास कैसा आगे की तरफ, और एक एक हो गया हमारे पास, तो ये होता है हमारा मेटल टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब एक है हो गया पीछे की साइड,
और एक ही हो गया आगे की साइड, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन होता है, और दो हमारे पास एक ही प्लेन में होते हैं, दो हमारे पास क्या होते हैं एक ही प्लेन में होते हैं हमारे पास, ठीक है उसी प्लेन में होते हैं। मतलब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये होता है टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर सिस और ट्रांसफॉर्म देखना देख सकते हो आप। तो सिस और ट्रांसफॉर्म के लिए क्या होता है, सिस के लिए होता है 190 डिग्री एंगल, और उसके लिए होता है क्या ट्रांस के लिए 180 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे आपको पता है कि 109 डिग्री 28 मिनट सबके बीच एंगल इतना होता है, तो 180 डिग्री और 90 डिग्री में रखना पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होते हैं, इसलिए हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम यहाँ पे क्या लिखते हैं वन लिखते हैं बस, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स देखना है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए वही क्या देखना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं MA4 में सबसे पहले। तो MA4 ये हो गया हमारे पास, तो MA4 का देखिएगा। तो ये डाला हमने 20 से प्लेन, ये डाला हमने 20 से प्लेन, ये ए और ये आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे सेम होंगे, तो प्लेन डालने के बाद सेम होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और जिसकी वजह से हमारा क्या होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होंगे। तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितना हो जाएंगे इसमें, इस केस में 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं MA2B, नहीं A3B होगा, ठीक है। अब आते हैं A3B की तरफ, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास BA, ये हो गया ए, ये हो गया हमारे पास क्या ए, तो A3B हो गया। तो यहाँ पर देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दोनों रिफ्लेक्ट करेंगे आपस में, तो ऑप्टिकल आइसोमर 0, ज्योमेट्रिकल 1, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितना आएंगे 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो जो वो है हमारे पास स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल, वो बहुत ईजी है। मेन केस किसके आते हैं ऑक्टाहेड्रल के, एग्जाम में ज्यादातर ऑक्टाहेड्रल का ही पूछता है, तो वहाँ पे अच्छे से ध्यान रखिएगा, ऑक्टाहेड्रल आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब आता है A2B2 में, तो हम करते थे A2B2 में, जैसे ये रख दिया हमने ए, ये हो गया ए, ये हो गया हमारा क्या बी, और ये रख दिया हमने क्या बी रख दिया। तो अब इस पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी, तो आइए देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी। तो अब देखते हैं हमारे पास, ये देखिए हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, दो ऐसी होते हैं एक प्लेन में, एक होता है आगे से एक होता है पीछे के लिए, ठीक है। तो दो दो एक ही प्लेन में कौन कौन सा, ए और ए, एक ही प्लेन में हमारे पास बी है अबव द प्लेन और ये दूसरा बी है बिलो द प्लेन। तो अगर हम बीच से कोई प्लेन डालेंगे, हम बीच से कोई प्लेन डालेंगे तो ये आपस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो इससे हमारा क्या होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे होगी। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे होगी, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर 0, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 1, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने आएंगे 1 होगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं MABCD की तरफ, ठीक है। तो MABCD है हमारे पास, ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, और ये हो गया हमारा डी। तो MABCD में अब ये देखिए सारे के सारे क्या है डिफरेंट है हमारे पास लिगेंड, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती। आप ऐसे में डालो कैसे भी डालो, हमारे पास दो जो होंगे डिफरेंट ही है हमारे पास, दो आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे नहीं क्योंकि अलग अलग लिगेंड है हमारे पास। तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर 2, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने जाएंगे, ज्योमेट्रिकल 1 प्लस हाफ इंटू ऑप्टिकल, तो यहाँ पे 1 + 1 = 2, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने जाएंगे 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपका ये है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल के केस में। तो आपको मेन केस आपके ऑक्टाहेड्रल के पढ़ने हैं, जितने ज्यादा एग्जांपल होंगे उतने ज्यादा करने हैं। क्वेश्चन सीरीज की वीडियो भी आएगी, उसमें हम अच्छे से वहाँ पे लगभग मैं 20 to 30 क्वेश्चन आपके में कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो वहाँ पे हम अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे CFT, जो टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग होती है, ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग होती है CFT में, तो वो कैसे कैसे होती है, ठीक है। तो उसको हम कल CFT बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ID letscamwithmd मुझे फॉलो करके वहाँ बता सकते हैं, और फेसबुक ID letscamwithmd मुझे वहाँ बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और सब्सक्राइब करें।